प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सम्राट मिहिर भोज के वंशज होने का राजपूत और गुज्जरों के बीच लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इतिहास में हुई लीपापोती को अब मिटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने दादरी विधानसभा की 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजा मिहिर भोज 9वीं सदी के एक महान धर्म रक्षक थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। मैं उनका नमन करता हूँ। जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है, वो अपने भूगोल की रक्षा भी नहीं कर पाती। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे। वहां उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप उस महान परंपरा के वारिस हैं, गर्व करिए। कौन ऐसा भारतीय है जो पन्नाधाई के बलिदान को बुला सकता है? गर्व करिए उस परंपरा पर। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को शुरू करते हुए इस बात को कहा था कि जिन महान विभूतियों को हम भूल चुके हैं, उन्हें सम्मान दिलाना होगा। बलिदानियों का बलिदान किसी जाति क्षेत्र विशेष के लिए नहीं था, ये भारत के स्वाभिमान के लिए था। महान बलिदानियों ने बलिदान देश के लिए दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछले कुछ समय में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाओं को देखा होगा। अभी काबुल में आपने देखा होगा कैसे तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, लोग जान बचा कर भागे। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। ये अराजकता पैदा करने वाले तत्व गुलामी की सोच पैदा करते हैं। जो मुट्ठी भर के आक्रांता यहाँ आते थे और शासन करते थे, और हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमें उन बलिदानों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजा मिहिर भोज का इतिहास पढ़ने पे पता चलता है कि उनके शासन के बाद 150 वर्षों तक कोई भी आक्रांता यहाँ आँख उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। ये सुरक्षा का भाव राजा मिहिर भोज ने दिया था। राजा मिहिर भोज शिव के भक्त थे। आप इतिहास को पढ़िए, पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़िए। उस समय भारतीय सेना संगठित न होने के कारण विदेशी आक्रांता लगातार यहाँ सेंध लगा जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 4 साल पहले का समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते। यहाँ कावड़ यात्रा नहीं निकालने दी जाती थी, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जाता था। 5 अगस्त 2022 की तिथि को याद करिए, कैसे भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जो भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण हर भारतीय गर्वित महसूस करता है।